Hey guys, good morning all of you. How are you friends? Hope you will be safe at your home. Dear students, myself Sweta and I am a teacher of Sai Sanner Institute of Education. Dear students, today I will teach you English. So, start our class. Dear students, welcome to my online class. मैं ये वीडियो जो है वो क्लास फोर के लिए लेकर आई हूँ तो स्टूडेंट्स क्लास फोर का जो फर्स्ट चैप्टर था वो एक पोयम था टू दीपल्स वो कंप्लीट हो चुका है और आज मैं चैप्टर टू लेकर आई हूँ चैप्टर टू जो है वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस सीक्रेट ऑफ सक्सेस है यहाँ पे तो जैसे कोई पर्सन uh, जो है जब वो सक्सेस जब वो सक्सेसफुल uh, होता है यानी जब वो सफल होता है तो फिर उसका सीक्रेट होता है कुछ ना कुछ तो पूछा जाता है कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो ये जो चैप्टर टू है वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है तो स्टूडेंट्स आज मैं ये स्टोरी आप लोग को बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है एक फार्मर है एक ओल्ड फार्मर है बूढ़े किसान के बारे में स्टोरी है कि वो जो है वो अपने खेत में इतनी कड़ी मेहनत करके अपने जो है वो फसल को उपजाता है जिससे लोग जो है उससे जलने लगते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये जो ओल्ड फार्मर है वो जरूर कुछ जादू जानता है जिसके वजह से उसके फसल उसके खेत में इतना अच्छा फसल होता है तो आई स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वंस दे लिव्ड एंड ओल्ड फार्मर इन अ विलेज एक विलेज में एक बूढ़ा किसान रहता था ही हैड फोर सन्स उसके कितने बेटे थे तो उसके चार बेटे थे ही लव सन्स वेरी मच और वो अपने सन से यानी वो अपने बेटों से काफी प्यार करता था ही हैड अ गुड फार्म उसके पास गुड फार्म था द ओल्ड फार्मर हीज फोर सन्स एंड हीज़ वाइफ वर्क वेरी हार्ड इन देयर फार्म्स और ओल्ड फार्मर जो थे जो बूढ़े जो किसान जो थे और उनके जो चार बेटे थे और उनकी वाइफ जो थी वो हार्ड वेरी हार्ड वर्क यानी कि वो काफ़ी कड़ी मेहनत करते थे अपने खेत में सो दे यू वेरी गुड क्रॉप्स जब कोई कड़ी मेहनत करेगा तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी काफ़ी अच्छा आएगा तो इसलिए जब वो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे तो उनका जो क्रॉप्स था यानी जो अनाज था अनाज जो फसल जो उपजता था वो काफ़ी अच्छा होता था द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिस सन जो ओल्ड जो फार्मर थे उन्हें अपने बेटों पर काफ़ी प्राउड फील होता था देयर हार्ड लेबर मेड दे एम वेरी रिच और जब कोई कड़ी मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और उनके बेटों ने मिलकर इतना मेहनत किया इतनी कड़ी मेहनत की कि उन जो वो जो गरीब जो थे ओल्ड फार्मर जो थे वो काफ़ी पुअर थे और वो जो उन्होंने काफ़ी हार्ड लेबर किया तो उनके बाद वो क्या हो गए हार्ड लेबर करने के बाद वो रिच हो गए यानी अमीर हो गए दे यूज़ साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग यानी कि जब वो अमीर हो गए तो उन्होंने क्या करने क्या करना शुरू किया खेती करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स यानी कि वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दे हैड अ ट्रैक्टर एंड एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि वो जो है वो तरह तरह के मशीनों का यूज़ करने लगे वो उनके पास ट्रैक्टर था ट्रैक्टर हो गया फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो खेती करने के लिए नए नए जो औजार जो होते हैं जो हथियार होते हैं वो उन्होंने ले लिया द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वेरी आइडियल यानी कि जो और जो फार्मर्स थे विलेज के वो काफ़ी क्या थे वो आलसी थे ठीक है आलसी जो होते हैं ना जो काम नहीं करते हैं वो थे और जो फार्मर्स विलेज के थे वो वैसे थे वो सिर्फ बैठे ही रहना चाहते थे वो कड़ी मेहनत नहीं करते थे दे है दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन देयर फील्ड और उन्हें अपने खेतों में काम करना अच्छा नहीं लगता था दे रिमेंट बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स और वो हमें और जो किसान जो थे वो हमेशा प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश खेलने में वो हमेशा बिजी रहते थे सो दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स इसलिए उन उनके जो खेत थे उनके फील्ड में उनके फार्म्स में अच्छे क्रॉप्स नहीं होते थे अच्छे फसल नहीं होते थे फॉर दिस दे ब्लेम्ड द ओल्ड फार्मर और जब उनके फसल उनके खेतों में अच्छी फसल नहीं होती थी तो वो उल्टा किसको ब्लेम्ड करते थे तो ओल्ड फार्मर को ही वो ब्लेम्ड करते थे वो ऐसा वो सोचते थे कि ये सब जो हुआ है वो ओल्ड फार्मर की वजह से ही हुआ है दे थाट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक्स वो ऐसा सोचते थे कि जो ओल्ड जो फार्मर है जो बूढ़ा किसान है वो जरूर कोई मैजिक ट्रिक्स यानी जरूर कोई जादू जानता है दे डिड नॉट नो वॉट टू डू वो जो थे वो आ, समझ में उनको नहीं आता था कि अब वो करे तो क्या करे एट लास्ट दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ द हेड ऑफ द एरिया वो लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया सारे किसानों ने सारे फार्मर्स ने मिलके ये डिसाइड किया कि अब हम लोग चलकर इस मैटर को यानी इस बात को हेड ऑफ़ द एरिया यानी उस एरिया का हेड जो था उसको बताते हैं सब एरिया का हेड होता है जो गांव होता है वहाँ का हेड जो होता है जैसे जो मुखिया होता है जो सरदार होता है उसका हेड जो वो कहाता है कहा जाता है उसको हेड तो वो उन लोग लो, सबको मिल कर के सारे किसान उस एरिए के हेड के पास गए वन डे द फार्मर्स रीच द हेड ऑफ द एरिया एंड सेट एक दिन सारे फार्मर्स जो थे वो कहाँ पहुँचे एरिए के हेड के पास पहुँचे और उन्होंने कहा सर द ओल्ड फार्मर ऑफ आवर विलेज नोज मैजिक ट्रिक सर जो हमारे एरिए का जो बूढ़ा किसान है वो जरूर कोई मैजिक ट्रिक्स जानता है ही डज नॉट लेट गुड क्रॉप्स ग्रो इन आवर फील्ड वो ज़रूर कोई क्या जानता है मैजिक मैजिक ट्रिक्स जानता है ही डज नॉट लेट गुड क्रॉप्स ग्रोन ग्रो इन आवर फील्ड और जो है वो जो था हम लोग जो है उसकी वजह से अच्छी फसल नहीं उपजा पाते हैं अपने खेतों में वी आर गेटिंग और जिसकी वजह से हम लोग पुअर से पुअर होते जा रहे हैं गरीब से गरीब होते जा रहे हैं ऑन द अदर हैंड द ओल्ड फार्मर इज़ गेटिंग रिच एंड rich. और दूसरी तरफ जो है वो जो बूढ़ा किसान है वो रिच एंड रिचर यानी कि वो अमीर से अमीर होते जा रहा है और हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं काइंडली हेल्प अस और प्लीज़ आप मेरा हेल्प कीजिए द हेड ऑफ़ द एरिया लिसन टू देम एंड सेट हेड जो थे एरिया के जो हेड थे सारी बातों को सुने और बोले आई विल लुक इन टू द मैटर ठीक है मैं खुद चलकर उस सारी बातों को सारे मैटर को मैं देखूंगा। नाउ गो ठीक है आप लोग जाइए बींग सेटिस्फाइड द फार्मर्स वेंट बैक और नाउ गो जो फार्मर जो सब कोई गए थे वो बोले कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए और सारे सेटिस्फाइड यानी कि वो संतुष्ट हुए उनके बाद से उनको लगा कि हाँ ये जो हेड है जो फार्मर जो एरिया के जो हेड है वो जरूर उस फार्मर के घर पे जाएंगे और सब बात का पता लगाएंगे द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ़ द एरिया कम टू द विलेज इन डिजक्यूज और जो नेक्स्ट जब डेज था जब नेक्स्ट डे आया दूसरे दिन जो हेड ऑफ़ द एरिया जो थे एरिया जो के जो हेड थे वो उस विलेज में आए और विलेज इन डिजक्यूज़ यानी कि वो उस विलेज में आए और अजना भी बन के आए थे वो अपने आप को चेंज करके आए थे जिससे उन्हें कोई पहचान ना पाए ही रीच द ओल्ड फार्मर और वो ओल्ड फार्मर के पास पहुँचे ही सॉ द ओल्ड फार्मर एंड ही फोर सन्स वर्किंग वेरी हार्ड इन देअर फील्ड और उन्होंने देखा कि जो ओल्ड जो फार्मर हैं और उनके जो फोर सन्स हैं वो काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे अपने खेतों में द ओल्ड मैन वेलकम द स्ट्रेंजर एंड गेव ही वाटर टू ड्रिंक ओल्ड मैन के पास चलिए पहुंचे थे एरिए के हेड तो उन्होंने देखा कि ओल्ड मैन और उनके जो फोर सन थे वो अपने फील्ड में कड़ी मेहनत कर रहे थे और जब ओल्ड मैन ने इन्हें देखा स्ट्रेंजर मिस अजनबी तो ये अजनबी बनकर गए थे तो अजनबी को जब उन्होंने जब ओल्ड मैन ने देखा तो वो उसे आ, क्या किया वेलकम किया स्वागत किया और फिर पानी दिया पीने के लिए देन ही टूक हीम होम एंड गेव हीम ही फूड टू ईट और फिर ओल्ड जो वो जो मैन था जो बूढ़ा किसान था ओल्ड फार्मर जो था वो उस स्ट्रेंजर को एरिया के हेड को अपने घर ले गया और फिर खाने के लिए खाना दिया भोजन दिया आफ्टर सम टाइम द फोर सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर ऑल्सो केम देर और कुछ समय के बाद थोड़ी देर बाद कौन आया चारों बेटे जो थे किसान के वो भी आ गए वहाँ पे ड्यूरिंग डिस्कशन द स्ट्रेंजर सेट टू द ओल्ड फार्मर बातचीत होने के बाद डिस्कशन के बाद ओल्ड फार्मर जो थे उनसे स्ट्रेंजर ने कहा यू ग्रो वेरी गुड क्रॉप्स आप तो है वो बहुत अच्छा अनाज जो फसल जो उपजाते हैं डू यू नो मैजिक ट्रिक्स क्या आपके पास कोई मैजिक ट्रिक्स है क्या कोई आप मैजिक ट्रिक्स जानते हैं कि आप इतना अच्छा फसल उपजाते हो नॉट एट ऑल नहीं ऐसा कुछ नहीं है द ओल्ड फार्मर ने ऐसा कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है देन वॉट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस तो आप ये बताइए कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है आप ऐसे सफल हुए इतना अच्छा आप क्रॉप्स जो है वो उपजाते हैं फसल उपजाते हैं तो आप अपने सक्सेस का सीक्रेट बताइए आज द हेड ऑफ़ द एरिया ने उसे पूछा ऐट दिस द ओल्ड फार्मर सेड तब ओल्ड फार्मर ने कहा इट इज़ ड्यू टू दार्ड लेबर ऑफ माई फोर सन्स तो ओल्ड फार्मर ने जवाब दिया कि ये जो है ये सब मेरे बेटों के कड़े मेरे चारों बेटों की कड़ी मेहनत का फल है आई गाइड देम एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली मैंने उन्हें गाइड किया मैंने उन्हें सही रास्ता दिखाया और वो जो थे मेरे चारों जो बेटे थे उन्होंने वो जो थे मेरे रास्ते पे मेरे बताए हुए रास्ते पे वो चले नाउ एवरी थिंग वॉज क्लियर टू द हेड ऑफ द एरिया और अब हेड ऑफ द एरिया जो थे उनके सामने सब कुछ क्लियर हो चुका था ही वॉज वेरी प्लेस्ड विथ द ओल्ड फार्मर और वो जो थे ओल्ड फार्मर से काफी खुश हुए थे उन काफी मतलब अच्छा लगा था ओल्ड फार्मर से बात करके उनको देन ही वेंट टू अदर फार्मर एंड डिस्कलोज हीज आइडेंटिटी वो जो थे गए और सारे जो फार्मर्स जिन्होंने कम्प्लेन किया था जाके ओल्ड फार्मर का वो सारे ओल्ड फार्मर का कंप्लेन कर दिए थे जाके तो एरिया के हेड जब सब बात जान गए तो वो जाकर के अदर फार्मर से मिले पहुँचे वहाँ एंड डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी आइडेंटिटी मीन्स पहचान डिस्क्लोज मीन्स क्लोज मीन्स क्या होता है बंद और डिस्क्लोज्ड मीन्स क्या खोल देना उसको उस, उनके जो आइडेंटिटी उनकी पहचान को वो बता दिए कि देखो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है ये उनका क्या है हार्ड लेबर का रिजल्ट है ही एडवाइस देम टू वर्क हार्ड एंड नाउ एंड नॉट सीट आइडियल वो ऐसा बोले कि तुम जो तो आप लोग भी वो एडवाइस दिए अदर जो फार्मर थे और किसान लोग को वो एडवाइस दिए कि आप लोग भी कड़ी मेहनत करो और ऐसे आप लोग लेजी की तरह आलसी की तरह बैठे मत रहो आप लोग भी कड़ी मेहनत करो उन्होंने समझाया एडवाइस दिया कि आप लोग भी अगर कड़ी मेहनत करते हैं ओल्ड फार्मर की तरह तो आप लोग भी काफ़ी आगे तक जाएँगे तो डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर टू टू जो था आप लोग का क्लास फोर का वो भी कंप्लीट हो चुका है आज अब मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगी तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तब तो हमको पता चलेगा ना कि किस बच्चे को समझ में आया किस बच्चे को समझ में नहीं आया या फिर किस बच्चे को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी तो स्टूडेंट्स आप लोग ये जो वीडियो में अपलोड ये जो वीडियो जो मैं बनाई हूँ जो अपलोड होगा तो आप लोग इसको देखिए और प्लीज़ ये जो वीडियोस जो है जो आप लोग जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है हुआ है जो है और जो जितने भी टीचर्स जो है बहुत सारे क्लास लेकर आए हैं आप लोग के लिए सारे क्लास में ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग भी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स को जिनको पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उनको आप लोग बताइए शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कि और जो आपके क्लासमेट्स हैं जितने आपके फ्रेंड्स हैं वो सब भी इस वीडियो को देखें पढ़ सके तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में